What's up? This is me, SK, and you're watching Russellant. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के होने वाले NXT Takeover 30 के बारे में, यानी कि हम इस वीडियो में NXT Takeover 30 की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल होने वाले NXT Takeover 30 के सभी मैचेस में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, और साथ ही साथ हम बेटिंग ओड्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों कल का होने वाला NXT Takeover काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, और कल हमें एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। लेगाडो डेल फैंटास्मा वर्सेस ब्रिजांगो वर्सेस ओनी लोरकन एंड बैनी बूर्च के बीच। और दोस्तों ये मैच NXT टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए होने वाला है। और दोस्तों अभी के हमारे NXT टैग टीम चैंपियंस इंपीरियम है और दोस्तों वे एक हील टीम है, और हमें इस मैच में कोई फेस टीम जीतती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी हमें हाल ही में ब्रिजेंगो और लेगाडो डेल फैंटास्मा के बीच एक राइवलरी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इस मैच में हमें ओनी लोरकन और डैनी ब्रूच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो हमारे NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बन जाएंगे। दोस्तों अगर मैं इस मैच में बैटिंग ओड्स की बात करूं तो बैटिंग ओड्स अभी ब्रिजेंगो के साथ है कि इस मैच में ब्रिजेंगो जीतकर नंबर वन कंटेंडर बन जाएंगे NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो दोस्तों अब कल देखते हैं कि इस मैच में कौन जीतता हुआ दिखाई देने वाला है, ब्रिजेंगो या फिर ओनी लोरकन और डैनी ब्रूच। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें NXT क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, सेंटोस एस्कोबार वर्सेस इसाक स्वर स्कॉट के बीच। और दोस्तों अभी स्कॉट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, सो मुझे लगता है कि इस मैच में स्कॉट सेंटोस एस्कोबार को हराकर न्यू NXT क्रूजरवेट चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें योशराई वर्सेस डकोटा काई के बीच देखने को मिलने वाला है, और ये मैच NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। दोस्तों इस मैच में योशराई अपनी चैंपियनशिप को डकोटा काई के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है, और दोस्तों डकोटा काई ने काफी बार योशराई पर अटैक किया है, हमने इन दोनों के बीच काफी बार ब्रोल देखी है, और दोस्तों ये मैच हमें काफी कमाल का देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं इस मैच में प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में योशराई डकोटा काई को हरा देंगी और वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। और दोस्तों बैटिंग ओड्स भी योशराई के साथ ही है, बैटिंग ओड्स के अनुसार भी योशराई इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, फिन बैलर वर्सेस टिमोटी टार्चर के बीच। और दोस्तों ये मैच हाल ही में WWE ने ऑफिशियली किया है, और ये मैच हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस मैच में दोनों रेसलर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और अभी हाल ही में WWE टिमोटी टार्चर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, और दोस्तों इस मैच में भी हमें टिमोटी टार्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकते हैं, वो हमें फिन बैलर को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इस मैच में अपने प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में हमें टिमोटी टार्चर फिन बैलर को हराते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी टिमोटी टार्चर को जीत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और फिन बैलर अभी काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। अगर टिमोटी टार्चर फिन बैलर को हराते हैं तो वो उनके करियर के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। सो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें कल फिन बैलर वर्सेस टिमोटी टार्चर के मैच में कौन जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर मैं इस मैच में बैटिंग ओड्स की बात करूं तो बैटिंग ओड्स के अनुसार इस मैच में फिन बैलर टिमोटी टार्चर को हरा देंगे। सो देखते हैं कि कल हमें इस मैच में टिमोटी टार्चर जीतते हुए दिखाई देते हैं या फिर फिन बैलर। दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट कर ही जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें लैडर मैच देखने को मिलने वाला है NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों इस मैच में ब्रॉन्सन रीड वर्सेस डेमन पीस वर्सेस जोनी गार्गानो वर्सेस कैमरन ग्रीम्स वर्सेस वेलेंटाइन ड्रीम्स देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों
लास्ट एनएक्सी टेकओवर में हमने विनर टेक ऑल मैच देखा था, जहां कीथ ली वर्सेस एडम कोल का मैच था और उस मैच में कीथ ली ने एडम कोल को हरा दिया था और वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन एंड एनएक्सी चैंपियन बन गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी टेकओवर 30 में एक लैडर मैच को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और दोस्तों ये मैच हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस मैच में काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं और सारे के सारे ही काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और अगर मैं इस मैच में अपने प्रिडिक्शंस की बात करूँ तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में डैमियन प्रीस्ट जीत जाएंगे और वो हमारे न्यू एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों बैटिंग ओड्स भी डैमियन प्रीस्ट के साथ ही है। अब देखते हैं कि कल हमें एनएक्सटी टेकओवर में क्या देखने को मिलने वाला है, कौन हमें न्यू एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनता हुआ दिखाई देने वाला है। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लैडर मैच में कौन जीतने वाला है, आप लोग किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें मेंस डिवीजन से सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, एडम कोल वर्सेस पैट मैकफी के बीच। और दोस्तों इस मैच से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, ये मैच हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे फैंस इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। सो अब देखते हैं कि कल हमें ये मैच कैसा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस मैच में बैटिंग ओड्स एडम कोल के साथ है कि इस मैच में एडम कोल मैकफी को हरा देंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कल हमें इस मैच में कौन जीतता हुआ दिखाई देने वाला है, एडम कोल या फिर पैट मैकफी। अब बात करते हैं अपने एनएक्सटी टेकओवर 30 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि हमें एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है, कीथ ली वर्सेस किरण क्रॉस के बीच। और दोस्तों इस मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी सारे फैंस भी इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और ये मैच इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग स्पॉयलर्स सामने निकल कर आए हैं कि इस मैच में हमें कल कौन जीतता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्तों स्पॉयलर्स के हिसाब से इस मैच में किरण क्रॉस कीथ ली को हरा देंगे और वो हमारे न्यू एनएक्सटी चैंपियन बन जाएंगे। और दोस्तों ये सिर्फ स्पॉयलर्स और रूमर्स ही है, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दे। और इस मैच में अगर मैं बैटिंग ओड्स की बात करूँ तो इस मैच में बैटिंग ओड्स के हिसाब से कीथ ली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और दोस्तों मुझे भी लगता है कि कीथ ली इतनी जल्दी अपनी नेक्स्ट चैंपियनशिप नहीं हारने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में कीथ ली किरण क्रॉस को हरा देंगे और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों की क्या प्रिडिक्शंस है एनएक्सटी टेकओवर 30 की, और आप लोगों को क्या लगता है कीथ ली वर्सेस किरण क्रॉस के मैच में हमें कल कौन जीतता हुआ दिखाई देने वाला है, क्या कीथ ली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे या फिर किरण क्रॉस कीथ ली को हराकर न्यू एनएक्सटी चैंपियन बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।